दोस्तों आप लोग कैसे हो, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ CRPF ट्रेक्समैन के कट ऑफ को लेके, कितना आपका कट ऑफ जाने वाला है, कितने पे आपको कन्फर्मली सिलेक्शन मिल जाएगा, वो भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो जो भी चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है CRPF जो ट्रेक्समैन का एग्ज़ाम है, हाल ही में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है CRPF की तरफ से। वही बात करें इसकी कट ऑफ को लेके कि आखिरकार इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, कितनी तक कट ऑफ रहेगी, तो मैं बता दूँ आपका एग्ज़ाम 10 जुलाई लास्ट इसका है कि ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 से 10 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। वहीं बात करें आप कट ऑफ को लेके, कट ऑफ एनालिसिस में आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो वो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर दिखा देता हूँ कट ऑफ को लेके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कट ऑफ मार्क्स है, मैं आपको दिखाता रहूँ, बट आप ये देख सकते हो ये कट ऑफ मार्क्स आपके जो है ये फाइनल कट ऑफ मार्क्स है। इतने अगर आपके सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये फाइनली इतनी कट ऑफ आपकी स्कोरिंग होनी चाहिए, कैटेगरी वाइज आप सिलेक्ट हो जाएंगे। वहीं बात करें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं वो आपके ये रखे गए हैं, आप देख सकते हो ये अदर अदर कैटेगरी वाइज रैंक करे गए हैं। अगर मैं आपको ऑफिशियली बता दूँ, अगर आप मिनिमम स्कोर जो है जिसमें आपका सिलेक्शन मिल जाएगा, अगर आप 50 के आसपास स्कोर कर जाते हो एग्ज़ाम में या 50 से प्लस का स्कोर कर जाते हो तो आप कन्फर्मली सिलेक्ट हो जाओगे। ये मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब जरूर करना।